उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसे होंगे। मैं हूँ मलिक नाहरुल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक नाहरुल। तो अभी मैं आया हुआ था ऑफिस से, मैथम का प्रोग्राम बन गया कि आखिर फ़ोन ले लिया जाए, क्योंकि सब ने फ़ोन ले लिया और मैथम का भी फ़ोन है। ये वजह नहीं है, मैथम का फ़ोन वैसे भी स्लो हो गया था, इस वजह से मैथम कह रहा है यार फ़ोन ले लेते हैं फिलहाल। तो अभी चलते हैं फ़ोन लेने और जो आके आपको दिखाते हैं कौन सा। मैथम कह रहा है फिलहाल ले लेते हैं कोई इसी तरह ही, तो बाद में इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे, नॉर्मल लेते हैं तो बाद में चेंज कर लेंगे। तो अभी चलते हैं और जो आके आपको दिखाते हैं कौन सा फ़ोन लिया। तो मैंने भी फ़ोन ले लिया है, शायद आपको एक दफ़ा वीडियो के अंदर थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन यह कि फिर किसी टाइम बताऊँगा प्रॉपर ना। तो आज ही बल्कि इसी वीडियो में दिखा दूँगा, पहले ये वाला दिखाएंगे और बाद में वो वाला। तो अभी निकलते हैं, मेरा इधर खड़ी कर दिया, अभी चेक करते हैं मोबाइल सेलेक्ट वालों से या किसी से एक से सेलेक्ट करके, तो फिर आपको बताते हैं कौन सा फ़ोन लिया है। फ़ोन की अनबॉक्सिंग A24 लिया है, आपको बता देते हैं पहले इस दफ़ा। और A24 की लुक दिखाते हैं। मैथम भाई ने आखिरकार यही ले लिया। मैथम भाई इधर आइएगा, ज़रा कैमरा पकड़ें। तो ये है जी A24, इसके अंदर आपको पता है A14 के अंदर जो है वही सेम इसके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। और इसका दिखाते हैं लुक, ये है इसका बैक का लुक। पहले तो उठा जाता था ऐसे ही उठा जाता था, लेकिन अभी इस तरह नहीं उतारेंगे क्योंकि पेपर लगवा दिया हुआ बैक पे, वो सही नहीं उतरा। इस तरह खोलेंगे इसे, और ये है इसकी फ्रंट लुक है, और ये है इसका बैक। बहुत मज़े किया, लेकिन ये है कि अभी आपको निशान वगैरह पड़े हो लग रहे होंगे, लेकिन हुआ कि हाथ फिंगरप्रिंट लग गए हैं। ये साइड, ये बैक बैग ही होती है इसकी ज़्यादा हर फोन की, तो वो बहुत अच्छी है इसकी। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक टाइप सी केबल, और इसके अलावा बस ये है पेपर, बस ये दो चीज़ें हैं। और बॉक्स के अंदर क्या है, ये बस। तो इसके साथ ये अडाप्टर लिया है और एक कवर लिया है। कवर तो आपको वैसे दिखाते हैं आगे ना कैसा लगता है, लेकिन ये दो चीज़ें लिया है और बस यही फ़ोन है। ये लिया फ़ोन इन अनबॉक्सिंग वगैरह, तो इसकी आपको बाद में दिखाते हैं, बाद में नहीं सॉरी पहले ही दिखाएंगे। तो ये वैसे फ़ोन लिया है सैमसंग का A34। बैक इसकी बहुत प्यारी है, वैसे तो पीछे निशान पड़ गए हैं, लेकिन यह कि इसी वजह से वो लगवाने लगे हैं पेपर पीछे, पेपर और ग्लास, फ्री खाते वाला पेपर और ग्लास। ये भाई लगा कर देंगे, चले लगवाते हैं अभी बाकी अनबॉक्सिंग इसको। शुक्रिया, इधर से ही लगवा रहे हैं, फ्री लग रही थी इस वजह से। तो वैसे नहीं फ्री लग रही है, फ़ोन ले फिर फ्री लग रही है। चले अभी लगवा लिया, ग्लास लगवा लिया, शीट लगवा लेते हैं। ये ले लिया और फ़ोन भी आपको पता कौन सा लिया, और कवर भी ये वाला ले लिया। क्या था लगा कवर, कवर माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, फ़ोन से ज़्यादा प्यारा कवर है, बहुत अच्छा लगा कवर। वो ये तो बहुत पसंद आया, लेकिन यह कि मेरा प्रोग्राम ये ना होता तो और ज़्यादा अच्छा होना था। आपने बताना कैसा कि ग्लास का फ्रेम उसका चेंज करवाना था, तो भी फ्रेम चेंज करवाने आए हुए हैं, तो बैठे हुए थे, सोचे चले वीडियो बनाए और आपको दिखाएं। और नज़र की आने की तो उसका फ्रेम था, चेंज करवाया। तरफ से पार्टी का पिज़्ज़ा आ गया, मैं तुमने जो आपको बताया फ़ोन लिया उसकी पार्टी है, ये पिज़्ज़ा आ गया उसका, वो साठ यू। और ये तभी निपेटते हैं, टाइम हो रहा है अभी 6:30 का, तो आप सोचे होंगे ये कि साइड को निकल रहा है। आपको पता है पिछले ब्लॉग में लेकर आए थे गाड़ी, कल पूरा दिन ना ब्लॉग ही नहीं बनाया जो कल का दिन गुजरा है। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी वापसी करने, क्योंकि मामू को चाहिए थी ये वाली गाड़ी, कह रहे हैं ये वाली चेंज कर जाओ क्योंकि इसको लगा हुआ है नंबर, तो उन्होंने जाना है कहीं आउट ऑफ सिटी, तो इस वजह से अभी चलते हैं गाड़ी चेंज करते हैं उनके साथ। कह रहे हैं ये वाली दे जाओ, उसको नंबर लगा हुआ है फिर, बाकी वो किसी को नंबर नहीं लगा हुआ। तो फिर निकलते हैं गाड़ी चेंज करते हैं और फिर वापसी भी आपको मिलते हैं, जाते हुए आपको एक दूसरी दिखाते हैं और अभी निकलते हैं, क्योंकि बस इसको ही नंबर लगा हुआ है ना, ये मेन वजह है। तो अभी निकलते हैं वापसी का, चेंज कर दी गाड़ी।
दरवाज़ा वगैरह बंद करते हैं और निकले पड़े हैं घर से। तो इधर तो वैसे मौसम चेंज होने लग पड़ा है। आपने बताना है कि आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं उधर मौसम चेंज हो रहा है, उतनी उधर गर्मी है या सर्दी है, क्या क्या प्रोटोकॉल है। और इधर तो यह है कि मौसम अभी सर्दियों वाला आ गया है। सुबह बाइक पे आए तो सर्दी लगती है, तो दोपहर में मौसम ठीक ही होता है, लेकिन यह है कि सुबह और रात को सर्दी है। बाकी फिलहाल अभी मुकम्मल सर्दी नहीं हुई है, ये दो टाइम ही है सर्दी। तो आपने बताना कि आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं उधर सर्दी है या गर्मी है, क्या हिसाब किताब है और किस जगह से देख रहे हैं। तो वैसे तो होंगे अपने सारे व्यूवर सियालकोट से ही, तो चले इधर से भी आपने बताना है आप जिस जगह से भी देख रहे हैं। तो अभी निकल पड़े हैं, पहुँच गए 10-15 मिनट में पहुँच जाते हैं उधर, और पहुँच के तो फिर गाड़ी लेके आपको मिलते हैं। अभी कलोनी से निकले हैं, वैसे 10-15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम रश भी नहीं होता, ना ही स्कूल टाइम है और ना ही कोई फैक्ट्री लोग वगैरह जाते हैं कोई इस टाइम, लेकिन थोड़े बहुत हैं। तो अभी निकल रहे 10-15 मिनट में उधर, और गाड़ी चेंज करके वापसी आके अपनी पूरी नींद करते हैं। यार इस गाड़ी का वैसे तो फ़ायदे ही हैं, सारे फ़ायदे हैं, तकरीबन एक बहुत मसला है जो इसका ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट होता मेरे से, क्योंकि आपने देखा ये है जैपनीज लिखी हुई है, तो इधर इंग्लिश की इसकी समझ भी नहीं आ रही कोई थोड़ी बहुत है। और वैसे ये है कि बाकी सारी हो तो हो जाता है, लेकिन इसका नहीं हुआ मेरे से कनेक्ट, ना जितनी दफ़ा भी किया नहीं हुआ, चाहे एंड्रॉयड पर किया चाहे आईफोन पर किया है, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। हो सकता है कोई एप्लीकेशन हो फिर हो जाए, लेकिन यह कि मेरे से अभी तक इस गाड़ी का कनेक्ट नहीं हुआ, बाकी सारी में कनेक्ट हो गया है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो बताएं कि किस तरह कनेक्ट होएगा इसका, कि किस तरह कनेक्ट होगा और क्या हिसाब किताब है। वैसे मैंने तकरीबन फुल कोशिश कर ली है, मेरे से नहीं हो सका। चलें अभी इस तरह ही रेडियो में जो लगा होगा वही चलते हैं। पहले बस एक ही फ़ोन कनेक्ट हुआ है, ये मामू वाला है, तो ये वाला ही कनेक्ट हुआ है जिस दिन की आई है, बस यही है। इसके अलावा मैंने आज तक कोई और फ़ोन नहीं देखा। ये एक हुआ था, एक और दोस्त का फ़ोन था, आईफोन ही था वो भी, तो वो हुआ था। इसके अलावा एंड्रॉयड तो आज तक जितनी मर्जी कोशिश की है कोई नहीं हुआ। तो अभी ये भी चेक किया, ये भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है यार। अगर है कोई आपके जहन में इशू तो बताइएगा कि क्यों नहीं हो रहा। पहुँच गए इधर, इधर से करते हैं गाड़ी चेंज और फिर निकलते हैं वापसी। चली आई ये गाड़ी, और वो फ्राटो अंदर ही खड़ी हुई है, उसको भी नंबर नहीं लगा हुआ और इसको भी नंबर नहीं लगा हुआ। तो अभी ये लेते हैं और चलते हैं इधर। आपको पता है सियालकोट में तो इसका कोई मुश्किल नहीं होती नंबर की, इधर नंबर लगा हो या ना लगा हो कोई टेंशन नहीं किसी को। आउट ऑफ सिटी जाना हो तो फिर होता है मुश्किल थोड़ी। तो ये आपने देखा है दरवाज़ा बंद होने की, मैं देखी वो आद है, आपको पता है पाकिस्तानी है ना फिर। तो अभी निकलते हैं, इसके अंदर तो हो ही जाएगा कनेक्ट फ़ोन। तो अभी निकलते हैं, नात वगैरह सुनते निकलते हैं आराम से। ये वाली गाड़ी का रहा लड़का वाश, मैं इधर बैठा हुआ तो सोचा चले आपको ही बता दें कि इधर बैठ के थे ही बाहर की धूप और सर्दी इंजॉय कर रहा था, तो सोचा कि चले आपको बताते हैं कि दूसरी गाड़ियाँ जो आई है ना जापान से, आपको बताया था वो तो अभी गई हुई हैं सही होने के लिए। कुछ एक का ही था तकरीबन को थोड़ा सा काम, तो वो ठीक करवा रहे थे, बाकी सर ए वन नजारी फिलहाल तो उसी टाइम निकला था, आपको दिखाया था निकलते हुए, लेकिन ये है कि एक लाइट पड़ी हुई थी इधर गाड़ी के अंदर, वो अंदर पिटाने गया तो फिर मैं लेट हो गया, सिर्फ बैठ गया था, मामू उठ गए थे। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 10 का, तो अभी निकला हूँ वापसी, तो अभी आपसे घर छुपा के मुलाकात होती है। ये भी पहुँच गए घर, घर पहुँच के तो अभी करते हैं, पहले तो अपनी करते हैं नींद पूरी, क्योंकि आपको पता है नींद पूरी है तो फिर कोई काम सही होगा। तो अभी करते हैं नींद पूरी और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको उठ के। पूरी करके आ गए थे इधर, जाने बैठे हुए हैं, तो टाइम आप देख रहे हैं तकरीबन हो रहा है कोई, आपको देख के बताता हूँ क्या टाइम हो रहा है। वैसे तो मगरब की अजानी हो गई हैं, तो 6:30 का हो रहा है, 6:02 हुए हैं। तो इधर ये वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें वीडियो को दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं अगर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।